नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल 24 की खास पेशकश, अरुणाचल प्रदेश की चुनावी हलचल। मैं हूं मंजर आलम। लुमला चुनावी क्षेत्र भी इन दिनों काफी चर्चा में है। कारण है वहां एक लामा का चुनावी मैदान में उतरना। यूं तो पिछले 10 वर्षों से जंबे ताशी वहां के विधायक है, जो कि इस बार बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका सीधा मुकाबला है एनपीपी के उम्मीदवार जनपा थिनले कुंखप से, जो कि एक लामा है। तो चलिए मेरे साथ लुमला और देखते हैं वहां की चुनावी हलचल। अरुणाचल 24 की टीम तवांग से लुमला की ओर चल पड़ी थी। जो भी गांव या बस्ती मिल रही थी, वहां हर घर में बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा था। दूसरी पार्टी कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रही थी। रास्ते में बीजेपी की वीडियो वैन भी दिखाई दी, जिसे पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। आखिरकार सफर करते हुए हम सीधे पहुंच गए विधायक जंबे ताशी के घर। उस वक्त विधायक जी घर के बाहर ही बस्तीवासियों से बातचीत कर रहे थे। हमने बिना वक्त बर्बाद किए माइक विधायक जी के आगे कर दिया और एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। हमारा पहला सवाल था, 10 वर्षों से आप लुमला के विधायक हैं, इलाके के विकास के लिए इन 10 वर्षों में आपने क्या क्या किया? देखिए, शुरुआत में जब मैं पहली बार जब यहाँ के प्रतिनिधि बन के जब इस क्षेत्र में आया, तो लोगों का एक उम्मीद मेरे साथ जुड़ा हुआ था। तो इस जगह के जो एजुकेशन सेक्टर और यहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ में कनेक्टिविटी और बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ जो करना था, तो मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिला, समर्थन मिला। और 10 साल का कार्यकाल में मैंने लोगों का उम्मीद पे खड़ा उतरने का कोशिश किया, तो लोगों का प्यार मेरा पीछे है। और इस बार भी मैं उन लोगों का एक उम्मीद बन के प्रतिनिधि के तौर पर मैं तीसरी बार इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमने दूसरा सवाल पूछा, इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? और बहुत सारे मुद्दे, अभी मेरा एक विजन था कि इस क्षेत्र यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी को एक सेल्फ सफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, तो अभी उसमें मेरा कार्य चल रहा है। तो मेरा विजन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत सारा एजुकेशन का सेक्टर में अगर हम बात करें, तो यहाँ काफ़ी इंस्टीट्यूट अभी बन के तैयार है और काफ़ी अच्छा कार्य उस क्षेत्र में हो रहे हैं। और अभी यहाँ में बहुत सारा इंस्टीट्यूट अभी आना बाकी है, जैसे कि ITI है, VKV है, इस प्रकार का अभी हम लोग का अपने यहाँ में कुछ प्रपोजल रखा है, तो वो अप्रूव भी हो गया है। तो मैं हमारा तीसरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है अभी भी कुछ ऐसे काम बाकी हैं जिसे आप आने वाले समय में करना चाहते हो? हाँ, ऐसा तो काफ़ी वादे हैं, जैसे कि हमारे बस्ती में जैसे हमें ये हमारे जो लुमला एरिया है, काफ़ी सुंदर जगह है, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ में हमारे जो बस्ती लेवल में है, ये काफ़ी ड्राई एरिया है। तो ड्राई एरिया का होने के कारण यहाँ में पानी का बड़ा समस्या है, जैसे कि ये काफ़ी इसमें 10-11 बस्ती है जहाँ में ये हमेशा से तकलीफ रहा है। और मैंने पिछले 10 सालों में ये पानी का समाधान निकालने का कोशिश भी किया है। तो मैं आने वाला 5 साल के कार्यकाल में मैं इस समस्या जो है, इसका भी मैं प्रावधान निकाल के मैं लोगों को मदद करना चाहूँगा। और कनेक्टिविटी को, जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, तो पहले बहुत शुरू से यहाँ कनेक्टिविटी का काफ़ी बड़ा समस्या रहा है, तो अभी हम लोग इस कनेक्टिविटी में भी काफ़ी सुधार ले आ पाया है, और आने वाला 5 सालों में भी खास करके इसमें हम विशेष करके ध्यान देंगे। अगले सवाल में हमने उनसे पूछ ही लिया, इस बार आपका मुकाबला किससे है? इस बार आपका मुकाबला किससे आप मान रहे हैं? हमारा मुकाबला इस बार, मेरे जो विरोध जो इस चुनाव में उतरा है, वो हमारे यहाँ के एक लामा जी हैं। तो वैसे तो हमारा हमेशा से हम ये नहीं माना कि मेरे जो खिलाफ जो प्रतिनिधि आता है, तो उसको मैंने हमेशा अपना ये अगेंस्ट में नहीं माना है, खिलाफ में नहीं माना है। मैंने हमेशा लोगों का गरीबी जो यहाँ की तकलीफ है, उसको मैं मेरा अपना ओपोनेंट को माना है। तो इस बार भी मेरा जो डेवलपमेंट को लेके, डेवलपमेंट ही मेरा एक मुद्दा है जो मैं लेके आना चाहता हूँ।
विधायक जी हर सवाल का मुकम्मल जवाब दे रहे थे, इसीलिए हमने आखिरी सवाल में उन पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में भी पूछ लिया। एनपीपी ये कहता है कि आपने विकास नहीं किया, इसीलिए लामा हैं, और लामा ये वादा करते हैं कि मेरे को 60-70% लोगों ने बुलाया है, आइए और यहाँ पर हम लोगों का विकास कीजिए, सड़कें नहीं बनवा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, जो है एक वर्ग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरे कंस्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ये एनपीपी का या आप अपने विरोधी का ये है। देखिए, हर क्षेत्र में हमारे अरुणाचल में 60 विधानसभा क्षेत्र है और हर क्षेत्र में ओपोनेंट है और हर प्रतिनिधि ये बात को बोलते हैं, लेकिन इसका बेस्ट जज हमारे यहाँ के पब्लिक है और इसका फैसला भी पब्लिक ही सुनाएगा। आप 23 मई को आप एक देख लीजिएगा कि 60% 70% 80% जो क्लेम कर रहे हैं वो वाकई में है कि नहीं, उस दिन पता चल। विधायक जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर हम निकल पड़े लामा को ढूंढने, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम पहुंच गए लामा के एक प्रचार कार्यालय में और यहां लोगों से बात की। लोगों का कहना था कि उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, उन्हें तो बस विधायक बदलना है, क्योंकि अभी के विधायक जी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जो विधायक जी की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहे थे और उनके द्वारा किए गए काम गिनवा रहे थे। यहाँ एनपीपी पार्टी को हम लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी का जो सरकार है उनका जो यहाँ का जो एमएलए कैंडिडेट है वो बिल्कुल काम ठीक नहीं करते यहाँ पे, जो भी काम होते हैं मतलब 80% करप्शन ही होते हैं यहाँ, इसलिए हम वो बीजेपी का जो एमएलए कैंडिडेट है उसको हम हटाना चाहते हैं यहाँ से। तो अभी हमने यहाँ पे नया कैंडिडेट चुन लिया है, नया पार्टी का नेशनल पीपल पार्टी का एमएलए। 14-15 करोड़ का एक सैंक्शन हुआ है यहाँ पीएमजीएसए का, 10 साल हो गया अभी तक एक मोटरसाइकिल नहीं जा रहा है यहाँ, गाड़ी तो दूर की बात है, 10 साल हो गया, उतना करप्शन है, जो काम पैसा सरकार से करोड़ों करोड़ों पैसा आता है वो थोड़ा मरा एकदम जैसे भी ला के बस ये पैसा तो हजम, इसलिए इस पर हम लोग को यहाँ का नेता चेंज करना है। सिर्फ बीजेपी कौन से लेन देन नहीं है, हम लोग यहाँ पार्टी से मतलब नहीं, सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर देखते हैं, हम इसे है सर। तो जहाँ तक लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, यहाँ पर श्री चंबेटासी विधायक जो जब से आया यहाँ पर बहुत ही उन्नति हुआ है। ये जो हम लोग का कहावत है, हम लोग को मुख से तो झूठ बोल सकता है लेकिन आंख में झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए सब देखा देखी है, इसलिए यहाँ जितना भी लुमला का पब्लिक है बहुत खुश है हमारा विधायक के साथ में। इसलिए जैसे मेरा गांव का नाम गिस्पू है, हमारा गांव में भी जैसे बैडमिंटन कोर्ट भी आया हुआ है, उसका भी पूरा फायदा जो हम लोग ले रहे हैं, और सड़क जो हम लोग को वहाँ पर आया है वो भी बहुत ही मतलब स्मूथली जितना काम हुआ है, गाँव का उन्नति बोलो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बोलो सब अच्छा ही चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी चिंता नहीं है, हम लोग जितना पब्लिक लुमला का है सब खुश है। अच्छा, हमारा चम्बेटासी 2009 में इधर लुमला में विधेयक बनने का बाद हमारा खोबला तक में रोड नहीं था, तो वो रोड हमारा साफ आने का बाद बहुत अच्छा बना हुआ है और अभी पूरा रोड थ्रू है, गाड़ी उड़ी जाते हैं, और हमारा बस्ती वालों को बहुत तकलीफ था, हमारा बुद्धिस्ट का है उसका गोम्बा नहीं था, गोम्बा बनाए और गाड़ी का रोड बनाए और हमारा काफ़ी खबला तक जो आगे बढ़ चुका हुआ है। ये थे लुमला की चुनावी हलचल, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर आपके सामने आएंगे एक और चुनावी हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।